यस वेलकम टू ऑल, स्वागत है आप सभी का आरएसएल यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके हैं अभी लाइव आपके सिलेक्शन बेच के लेक्चर नंबर 16 में। सिलेक्शन बेच का लेक्चर नंबर आपका 16 आपको यहां पर आपके स्क्रीन पर आ चुका है। यहां पर अगर पहले की कोई भी क्लास आपने 15 तक मिस किया है तो टॉपिक डालिए, सिलेक्शन बेच लिखिए और उसको आगे स्टार्ट कर दीजिए, आपको मिल जाएगा, आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहां पर आज हम बात करने वाले हैं सर्कुलर मोशन पार्ट 4। एक पार्ट और बचेगा जो कल तो हो नहीं पाएगा, मंडे को कर देंगे, यानी मंडे को सर्कुलर मोशन हमारा फिनिश हो जाएगा। आज हम सर्कुलर मोशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, डायरेक्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल सर्कल, यानी जो ऊर्ध्वाधर वृत्तीय पथ में गति होती है, डायरेक्ट फॉर्मूला, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। तो आज की क्लास बहुत अहम होने वाली है, एक बार सभी बच्चे क्लास को फटाफट से शेयर कर दें। यस, जो भी बच्चे क्लास में आ चुके एक बार फटाफट से शेयर कर दे बेटा क्लास को जल्दी से, क्योंकि आज क्लास में कुछ इश्यू हो गया था ना, इस वजह से बहुत से बच्चों को पता नहीं रहा होगा, तो एक बार क्लास को फटाफट शेयर कर दे बेटा, ठीक है। यस, अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए सर्कुलर मोशन जिसको अपने कल फिनिश किया था उससे आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका, ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति या डोरी से लटकते पिंड की गति, मोशन इन वर्टिकल सर्कल, मोशन ऑफ ए बॉडी सस्पेंडेड बाय ए स्ट्रिंग, एक रस्सी के द्वारा धागे को घुमाया जा रहा है, सॉरी धागे से किसी पिंड को, किसी ऑब्जेक्ट को घुमाया जा रहा है, वर्टिकुलर मतलब सर्कुलर मोशन में, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में। जरा ध्यान से समझे इसका कॉन्सेप्ट क्या है, बहुत अहम होने वाला है। गुड मॉर्निंग बेटा, जय हिंद, नमस्ते। यस, देखिए बेटा यहां पे ये आपका सेंटर एक सर्कल का और एक बॉल है, वो ऊपर से ये देखो नीचे गिर रहा है, तेजी के साथ आया, फिर ऊपर गया, फिर धीरे, फिर तेजी के साथ, फिर धीरे धीरे ऊपर गया, ये प्रोसेस आपका चल रहा है। तो क्या इस सर्कुलर मोशन को आप यूनिफॉर्म बोल सकते हैं? नहीं, यहां पे मैग्नीट्यूड यानी परिमाण भी चेंज होगा, मैग्नीट्यूड भी बदलेगा, परिमाण भी बदलेगा वेलोसिटी का, और इसी वजह से इसे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहा जाता है। तो ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं। यस, आगे बेटा, नमस्ते, जय हिंद, नमस्ते नमस्ते, थैंक यू थैंक यू। चलो क्लास में प्रेजेंट लगा दो, लाइक बटन दबा दो और पूरा फोकस करो, क्योंकि आज की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं ना वो एग्जाम में एज इट इज डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन ए वर्टिकल प्लेन। देखिए यहां पे सबसे पहले हमारा जो सवाल मैं तैयार आपको करवाने वाला हूं वो सवाल क्या है, इस सवाल से, इस डायग्राम से भी अपन क्लियर करने की कोशिश करते हैं। क्या डायग्राम है देखिए, समझिए बेटा, आप मुझे बताओ ये जो सर्कुलर मोशन है इसमें टोटल एनर्जी क्या कंजर्व रहेगी? यस ऑर नो? पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व रहेगी, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी? मैं आपको बता दूं, इस प्रक्रिया के दौरान जैसे जैसे नीचे आते हैं पोटेंशियल एनर्जी घटती है, ऊपर जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है और काइनेटिक एनर्जी घटती है। यानी ये जो ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है इसको जरा ध्यान से समझिए, ये ऑब्जेक्ट यहां पर पहुंच रहा है तो यहां पर आपका पोटेंशियल एनर्जी है ना वो आपका मैक्सिमम है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है लेकिन आपका काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है। मैं यहां पे कह सकता हूं कि काइनेटिक एनर्जी आपका मिनिमम है। यहां की अगर मैं बात करूं, इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो यहां पे आपका पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है और मैं कह सकता हूं जीरो भी अगर समतल पे है तो, और काइनेटिक एनर्जी आपका क्या होगा? मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। यस, तो ये कंस्टेंट नहीं है, जैसे ही ऑब्जेक्ट यहां से ऊपर की तरफ जा रहा है वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी घट रहा है और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है। जब ऊपर से नीचे आ रहा है तो बड़ा लगातार काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है और पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है आपका। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी आपस में चेंज होंगे लेकिन इनका टोटल, इनका योग, यानी यहां पे जो एनर्जी है वो कंजर्व रहेगी, संरक्षित रहेगी, यानी जो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी उसका टोटल है वो हमेशा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी कंजर्व रहता है, संरक्षित रहता है, ठीक है बेटा। यस, अभी देखिए इस पॉइंट पे मैं यहां पे जो लाइन मैंने आपके लिए लिखी है नोट्स के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, यह एक असमान वृत्तीय गति का उदाहरण है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल है। जब पिंड को निम्नतम बिंदु से लोवेस्ट पॉइंट से कितनी ऊंचाई बेटा h ऊंचाई,
लोवेस्ट पॉइंट से एच ऊंचाई तक ऊपर उठाया जाता है तो इसकी गति जुड़ जाती है। ध्यान देना बेटा, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में यानी गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है, अर्थात यहां पे टोटल मैकेनिक एनर्जी कंजर्व रहती है, यानी टोटल यांत्रिक ऊर्जा है वो संरक्षित रहेगी। क्लियर है बेटा? यस, क्लियर है बेटा? टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी, क्लियर है बेटा? ओके, देखो ये आपका टोटल एनर्जी कंजर्व रहने का एक सवाल है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग बनने वाला है। उसके बाद में एक लाइन मैंने नीचे लिखी है, उसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। ए पे टोटल एनर्जी यानी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी बराबर पी पे टोटल एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। इस कॉन्सेप्ट पे बेस बहुत तगड़ा सवाल आपका बन जाएगा जो मैं आगे आपको समझाने वाला हूं। ये ए कहां पे है और पी कहां पे है, जरा इस पे फोकस करें। देखिए बेटा, एक डायग्राम आपको नजर आ रहा होगा। इस डायग्राम की अगर मैं यहां पर बात करता हूं, इस डायग्राम में जरा ध्यान से समझिएगा, ये डायग्राम क्या कहने की कोशिश कर रहा है बेटा। एक बॉल है, एक ऑब्जेक्ट है जो यहां पर बिंदु ए पर है, फिलहाल के लिए ये इसका सेंटर है, और जो स्ट्रिंग है, जो रस्सी है, उसकी लंबाई एल आपको यहां पे नजर आ रही होगी, और ये पॉइंट ए से ये आपका ऑब्जेक्ट इस प्रकार से सर्कुलर मोशन करता हुआ चलता है। ये पॉइंट ए है, ये एक आपका पॉइंट पी है, ठीक है। अगर ये ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से ऊपर जाता है तो ये धरातल से एच ऊंचाई ऊपर उठ जाता है। ये एच ऊंचाई मैंने इधर भी लिख के रखी है, ठीक है। ये एच ऊंचाई मैंने इधर भी लिख के रखी है, कॉन्सेप्ट समझ लो, उसके बाद में हम इसके डायरेक्ट फॉर्मूले याद रखेंगे एज इट इज विदाउट ऑप्शन चेंज। क्वेश्चन आएंगे इसकी क्लास, इसी क्लास में भी हम आज प्रैक्टिस करने वाले हैं, यानी प्रैक्टिस यहां पर भी होने वाली है, जरा इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है बेटा। यस, अब यहां पर देखिए, जहां एल डोरी की लंबाई है, स्ट्रिंग है, एल जो है उसका लेंथ स्ट्रिंग का। अब ये ऑब्जेक्ट यहां से घूमता घूमता जब यहां पर पहुंचेगा तो इसने क्या कहा, इस लॉजिक पे देखिए, इसने क्या कहा कि ए पर टोटल एनर्जी यानी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, कहां पर, ए पे, ए पे टोटल एनर्जी, और फिर आगे क्या लिखा इसने, पी पर टोटल एनर्जी, पी पर कुल ऊर्जा किसके अलोंग, मैकेनिकल एनर्जी के कंजर्वेशन के अलोंग, यानी जो मैकेनिकल एनर्जी है यांत्रिक ऊर्जा है उसका संरक्षण कैसे हुआ, उसी संरक्षण के बेस्ट कॉन्सेप्ट पे ये सवाल हमने यहां पे लिखा है, जिसके रिगार्डिंग बात करें ए और पी। जो एच हाइट पे धरातल से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे ऊपर उठता जाएगा, तो पी बिंदु की ऊंचाई मैंने एच लिया है, आप इसको इधर भी देख सकते हैं। सर आप ये क्यों बता रहे हैं हमें, इसके पीछे का राज समझिए, इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट समझिए वो क्या है। अगर यहां पे मैं बिंदु ए पे टोटल एनर्जी की बात करता हूं तो बेटा ए पर अगर मैं बात करता हूं आपका पोटेंशियल एनर्जी का, तो बिंदु ए को मैं निम्नतम बिंदु पे मान रहा हूं तो पोटेंशियल एनर्जी यहां पे क्या होगी, जीरो। लेकिन अगर मैं बात करता हूं काइनेटिक एनर्जी की, अगर मैं बात करता हूं गतिज ऊर्जा की, तो अगर यहां पे जो ऑब्जेक्ट है उसका वेग अगर यू है तो इसकी गतिज ऊर्जा होगी ये तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो, एक बटा दो एम यू स्क्वायर, ये यहां की टोटल एनर्जी आ गई। यानी जो बिंदु आपका ए है, अगर मैं उस बिंदु ए पे एनर्जी की बात करूं तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस का आपका काइनेटिक एनर्जी, तो बेटा यहां पे ई पे जो टोटल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है बेटा, जीरो, और काइनेटिक एनर्जी एक बटा दो एम, अगर वेग यू है तो एक बटा दो एम यू स्क्वायर कर देंगे, वेग आपका यू स्क्वायर है यहां पर। बेटा समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं, सभी बच्चे एक बार लाइक बटन पर प्रेजेंट लगा देना, सभी बच्चे एक बार लाइक बटन पे प्रेजेंट लगा देना बेटा, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं समझ में आ रहा है बेटा, यस, डाउट नहीं है कोई भी, और क्लास को एक बार शेयर कर दे बेटा, यस, क्लास को शेयर कर देना, क्लास को शेयर नहीं किया, बहुत से बच्चों को पता नहीं है आज क्लास का, वो क्लास अव्यवस्थित हो गया ना इसलिए। तो ये आपका बिंदु ए पर हो गया, अब मैं बात करता हूं बिंदु पी पर, ये ए पे और ये पी पे, बेटा पी पे यहां पे तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी भी आएगी और काइनेटिक एनर्जी भी आएगी, तो भाई पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ये लो पोटेंशियल एनर्जी और ये आपका काइनेटिक एनर्जी, एक बट्टा दो एम वी स्क्वायर, क्योंकि यहां पे जब बिंदु यहां से यहां तक पहुंचेगा तो क्या वेग वी ही रहेगा, क्या मतलब वेग यू ही रहेगा, नहीं, वेलोसिटी चेंज होगा क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो हमने यू को क्या लिख दिया बेटा, वी, जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में है। तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी प्लस आपका काइनेटिक एनर्जी, मैं इसको एक बार काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लिख देता हूं बेटा, मैं इसको काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लिख देता हूं, देखिए समझिए जरा ध्यान से, पोटेंशियल एनर्जी प्लस आपका काइनेटिक एनर्जी, तो यहां पे देखिए बेटा पोटेंशियल एनर्जी एम मास है ऑब्जेक्ट का, जी उसकी धरातल से हाइट है, एम जी सॉरी हाइट एच है, जी आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो एम जी एच प्लस
काइनेटिक एनर्जी कितना है बेटा, 1/2 mv2। अगर मैं बात करता हूं एनर्जी कंजर्वेशन की, तो बताओ ये जो एनर्जी बिंदु ए पर है, ये एनर्जी जो बिंदु पी पर है, उसके बराबर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जब दिमाग में उतरेगा तभी कहानी समझ में आएगी पूरी की पूरी। अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन, जो एनर्जी ए पर होगी वही पी पर होगी, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो रहा है। एनर्जी तो कंजर्वड है, यानी नई ऊर्जा आएगी नहीं, बाहर जाएगी नहीं, तो बराबर टोटल तो बराबर रहेगा ना। तो ए पे टोटल एनर्जी और पी पर टोटल एनर्जी दोनों बराबर है। अगर मैं एनर्जी कंजर्वेशन को यहां पे लगा के इसको सोल्व करता हूं, तो आप मुझे ये बता दीजिए, अगर मैंने इसको सोल्व किया तो बेटा मैं इसको इधर ले आऊंगा एम से, देखो इसमें से एम कट जाएगा। मैं यहां पे इसको सोल्व करके बता देता हूं, अगर आपको वहां पे डाउट क्रिएट होता है तो। यहां पे इसको मैं और इसको दोनों को बराबर रखता हूं, तो बेटा एक इसको मैं पहले लिख देता हूं, 1/2 mv2 प्लस आपका mgh। ये मान लीजिए आपका इक्वेशन फर्स्ट है, ये आपका इक्वेशन सेकंड है, तो बराबर बराबर फर्स्ट इक्वेशन में क्या है बेटा, 1/2 mu2। आप मुझे बताइए क्या मैं इसमें यू काट सकता हूं बेटा, सॉरी एम काट सकता हूं, एम कट सकता है बेटा सभी में। अगर एम कट सकता है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, ये आपका वी स्क्वायर, यहां पे बेटा दो को सामने मल्टीप्लाई करो और उसको उधर ले जाओ, तो ये दो से मल्टीप्लाई किया इधर, है ना, तो ये हो गया आपका यू स्क्वायर, और ये 2gh उधर जाके किसका हो गया, माइनस का। अगर आपको केवल v निकालना हो तो अंडर रूट बेटा देखिए जरा इसको समझिए, बहुत अहम सवाल है, अंडर रूट 2gh। मेरे हिसाब से ये आपका बिंदु पी पर जो वेलोसिटी आपको दिया गया है वो क्लियर है, वी बराबर अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस का 2gh। ये मेरे हिसाब से आपका कॉन्सेप्ट यहां से क्लियर हो गया है। ये बिंदु पी पर वेग जो वी हमने निकाल लिया है, अब इस बिंदु पी को थोड़ा सा चेंज किया गया है जिसके रिगार्डिंग मैं बात कर रहा हूं। जी सर, ठीक है ठीक है, यस। तो देखिए यहां पे सिंपल सा लॉजिक है, यहां पे अगर मैं इस बिंदु पी पर अगर वेग निकाल लेता हूं, और अगर कई बार सवाल में थीटा एंगल भी दिया होता है, तो हमें एक और नया फॉर्मूला तैयार करना पड़ता है। वो नया फॉर्मूला क्या है, उस फॉर्मूले की बात कर रहा हूं मैं। आप मुझे बेटा एक चीज बता दीजिए इस डायग्राम से, अगर ये एंगल थीटा है तो बेटा ये वाली भुजा, ये इसका आधार है, बेस है ये, और इसका परपेंडिकुलर है, तो बेटा ये आधार क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको लेता हूं कॉस थीटा में, अगर ये आधार है, ये आपका लंब है, ये कर्ण है, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो आधार आपका निकलना है, कर्ण सामने चला गया, तो ये लंबाई होगी बेटा आपकी एल कॉस थीटा, ये वाली आपकी भुजा एल कॉस थीटा। बेटा आप मुझे बताइए, अगर मुझे एच निकालना हो, अगर मुझे एच निकालना हो बेटा, ये यहां से यहां तक की दूरी कितनी, कोई मुझे बताएगा, सर जी ये तो रस्सी की लंबाई एल है, अगर इस एल में से ये दूरी अगर मैं घटा देता हूं, ये दूरी क्या है एल कॉस थीटा, अगर ये टोटल एल में से, अगर इस टोटल एल में से अगर ये एल कॉस थीटा घटा देता हूं तो क्या बच जाएगा, एच, तो एच का वैल्यू यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, एल माइनस, ये हो जाएगा आपका एल कॉस थीटा। बताइए क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं बेटा 100%, यस। तो आप मुझे बताइए जो जी है उस जी को, सॉरी जो एच है, ये फॉर्मूला आपको मैंने बना के बता दिया, यहां पे ये फॉर्मूला इधर बना के बताया है, इस फॉर्मूले में अगर एंगल के रूप में वेलोसिटी पूछे तो फिर ये फॉर्मूला हमें कहां मिलना है। बच्चे सवाल करेंगे फॉर्मूला कहां से आया, इसलिए मैंने इसको पूरा डेप्थ से बताया है, नहीं डायरेक्ट भी आप याद रख सकते थे। यहां पे बेटा इस एच की जगह मैंने क्या रख दिया, इस एच की जगह मैंने रख दिया बेटा एल माइनस एल कॉस थीटा, एल को बाहर ले लिया तो 1 cos θ। फॉर्मूला आपका तैयार है, फॉर्मूला आपका रेडी है, फॉर्मूला आपका तैयार है, फॉर्मूला आपका रेडी है। सभी बच्चों का कमेंट चाहूंगा, रट्टा मारने वाला फॉर्मूला आपके सामने, ये रहा रट्टा डायरेक्ट मार लो, ये रट्टा रहा डायरेक्ट मार लो, लेकिन रीजन क्या आएगा, एनर्जी कंजर्वेशन कैसे काम करेगा, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। एक बार सभी बच्चे कमेंट करके बता दें, क्लियर है बेटा, सभी बच्चे एक बार कमेंट करके बता दें, क्लियर है बेटा, ओके आ गया सर। बेटा ये चीज समझ में आ गई तो आगे चलेंगे फटाफट। एल बेटा स्ट्रिंग का लेंथ है, एल रस्सी की लंबाई है, एल रस्सी की लंबाई है बेटा, क्लियर है सर, शाबाश, आगे आ जाओ। अब आएगा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपका, जरा ध्यान देना बेटा, ये वर्टिकल जो आपका वर्टिकल सर्कुलर मोशन है ना,
बच्चे बहुत दूर दूर भागते हैं इसे, और मैं आपको बताऊं सर्कुलर मोशन में फिक्स क्वेश्चन है यहां से, फिक्स क्वेश्चन डायरेक्ट। अभी समझिए कैसे, ध्यान दीजिए, किसी बिंदु पी पर तनाव, किसी बिंदु पी पर तनाव, ये बिंदु पी नजर आ रहा बेटा आपको यहां पे, ये बिंदु पी नजर आ रहा बेटा, इस बिंदु पी के तनाव की बात हो रही है, आगे भी डायग्राम आपको मिल जाएगा, ये बिंदु पी आपका रहा यहां पे, यहां पे टेंशन की बात हो रही है। तो बिंदु पी पर जो तनाव होगा, वो बिंदु पी पर तनाव के लिए क्या क्या पॉइंट बनेंगे, उसी के रिगार्डिंग सबसे पहला पॉइंट है, बिंदु पी पर आवश्यक अभिकेंद्रीय बल। अगर किसी ऑब्जेक्ट को अपने को मोशन करवाना है, अगर किसी ऑब्जेक्ट को मोशन करवाना है, तो उसके लिए बिंदु पी पे रिक्वायर्ड सेंट्रीपेटल फोर्स, आवश्यक अभिकेंद्रीय बल क्या होगा, तो हमारा जवाब है आपका एम वी स्क्वायर अपॉन एल। एम वी स्क्वायर अपॉन एल क्यों, क्योंकि बेटा एम उस ऑब्जेक्ट का मास है, एल उसकी लंबाई है, और वी उसका वेलोसिटी है, वेग भी आप यहां पे देख पा रहे होंगे, वी उसका वेलोसिटी है, एम उसका मास है, एम और एल स्ट्रिंग की लंबाई है, रस्सी की लंबाई है जो यहां पर आपको दिया गया है। तो बिंदु पी जो आपको यहां पे मिल रहा है, इस बिंदु पी पर जो सेंट्रीपेटल फोर्स रिक्वायर्ड होगा, वो अभिकेंद्रीय बल होगा आपका, यहां पे देखिए ये रहा आपका सेंट्रीपेटल फोर्स, बिंदु पी पर रिक्वायर्ड अभिकेंद्रीय बल एम वी स्क्वायर अपॉन आर। मेरे हिसाब से सभी बच्चों का क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब आप मुझे बताइए, इस डायग्राम को एक बार मैं डेप्थ से डिटेल से डिस्कस करूंगा दो मिनट के लिए, जरा ध्यान दीजिएगा, फिर कौन सा टेंशन, कौन सा फॉर्मूला कैसे लगेगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बेटा एक ऑब्जेक्ट यहां पे था एस हाइट, जो पिछला वाला कॉन्सेप्ट था उसी कॉन्सेप्ट से, और उस ऑब्जेक्ट को मैं यहां से उठा के यहां तक लेके आया, थीटा एंगल बनाया गया यहां पे, जब रस्सी पे ये ऑब्जेक्ट यहां पे पहुंचा तो टेंशन टी आ गया, ये आपको नजर आ रहा होगा, और जब इस पे मैंने यहां पे इसको आगे की ओर बढ़ाया, इसको नीचे की तरफ लिया, आपका जो स्पर्शरेखा बिंदु था बार एम जी के रूप में, बार एम जी नीचे की तरफ लगता है हमेशा, तो ये एंगल बन गया आपका थीटा, चलो ठीक है। अब ये जो आपका एम जी है, इस एम जी के मैंने दो कंपोनेंट बनाए, इस एम जी के मैंने दो कंपोनेंट बनाए, दो कंपोनेंट कौन से बनाए, एक कंपोनेंट जिसके साथ थीटा है ये रहा आपका, और ये कंपोनेंट है आपका एम जी कोस थीटा, दूसरा कंपोनेंट जो उसके परपेंडिकुलर है वो कंपोनेंट है आपका एम जी साइन थीटा, इसको देखिए आप केवल एम जी साइन थीटा को, ये दूसरा कंपोनेंट है। अब आप मुझे यहां पे ये बताइए कि जो बिंदु पी है इस पे कितने बल लग रहे हैं, इस बिंदु पी पर जो ऑब्जेक्ट है इस पे कितने बल लग रहे हैं, तो आप कहोगे सर नंबर एक तो लग रहा है टेंशन, नंबर एक टेंशन लग रहा है, नंबर दो क्या लग रहा है सर, नंबर दो लग रहा है आपका एम जी कोस थीटा जो बाहर की तरफ है, एम जी कोस थीटा, और नंबर तीन लग रहा है आपका सेंट्रीपेटल फोर्स अभिकेंद्रीय बल, जो मैं पहले पीछे वाली स्लाइड में आपको बता चुका हूं एम वी स्क्वायर अपॉन एल, यहां पे लंबाई एल है तो मैंने एल ले लिया है, ये आपका तीन बल इस बिंदु पी पर लग रहे हैं। अब आप मुझे बताओ ये जो कॉन्सेप्ट आ रहा है उस कॉन्सेप्ट से जो रस्सी में टेंशन है वो किसके बराबर है, भाई एम जी कोस थीटा बाहर की तरफ लग रहा है और जो सेंट्रीपेटल फोर्स है वो बैलेंस करता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को, क्योंकि सेंट्रीपेटल फोर्स को तो होता ही नहीं है, तो बाहर की तरफ एक और कंपोनेंट आपका लगेगा, वो लग जाएगा आपका अभिकेंद्रीय बल का इनवर्स आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो बाहर की तरफ लग रहे हैं बल दो और रस्सी पे अंदर की तरफ लग रहा है स्प्रिंग टी, तो आप मुझे बताओ अगर मुझे इसको बैलेंस करना है तो टी बराबर क्या होगा, टी बराबर होगा आपका एक तो एम जी कॉस थीटा और एक आपका हो जाएगा यहां पे सेंट्रीपेटल फोर्स आपका एम वी स्क्वायर अपॉन एल, कौन कर देना एम वी स्क्वायर अपॉन एल, यहां पे आपका कॉन्सेप्ट आ रहा है ये टेंशन आपका होगा बिंदु पी पर, आपको कोई टेंशन पूछे तो ये टेंशन का फॉर्मूला देना है। नीचे मैंने लिखा है कि जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपेटल फोर्स है वो कितना होगा, वो होगा आपका टी माइनस एम जी कॉस थीटा, टी माइनस एम जी कॉस थीटा बराबर एम वी स्क्वायर अपॉन एल। क्लियर है बेटा यहां से क्लियर है, क्लियर है बेटा, क्लियर है यहां से, एक बार बता दे फटाफट से कमेंट में, यहां तक पहुंच गए बेटा, टी बराबर एम जी कोस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये यहां पे बिंदु पी पे टोटल फोर्स लगेगा। तो अगर आपको कोई टेंशन पूछे कि बिंदु पी पे टेंशन कितना होगा, एम जी कोस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये जो चीज मैंने आपको बताई है उसमें एक चीज और आ रही है जो यहां पर आपकी छुपी हुई है, एम जी साइन थीटा, जिसके रिगार्डिंग में बात कर रहा हूं। देखिए यहां पे आपका जो कॉन्सेप्ट आ रहा है वो आ रहा है आपका एम जी साइन थीटा का, और आ रहा है जो यहां पर नीचे की तरफ आपको देखने को मिल रहा है। क्लियर बेटा, एम जी साइन थीटा जो कंपोनेंट है उसी कंपोनेंट का मैं सवाल यहां पे बना रहा हूं आपका, जरा देखिए क्या लिखा हुआ रहा है, केंद्र की ओर तनाव बल
ये कंपोनेंट यहां पे देखिए, फिर मैं वापस बैक जाऊंगा। गति के लिए स्पर्श रेखीय बल टेंजेंशियल फोर्स फॉर द मोशन एफ टी, टी फॉर टेंजेंशियल, एम जी साइन थीटा। ये है बल गति को मंदित करता है या उसको क्या करता है, धीरे कर देता है, उसको रोक देता है। बेटा अपोज कर रहा है, देखिए जरा डायग्राम को, इसके डायग्राम को देखिए एक बार, यहां पे ये डायग्राम को देखिए, यहां पे ये बेटा ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो इसको ऊपर जाने से कौन रोक रहा है, वो रोक रहा है इसको एम जी साइन थीटा, यानी एम जी साइन थीटा इसमें रिटार्डेशन लेके आता है, इसमें मंदन लेके आता है। एम जी साइन थीटा इसको रिवर्स में कर रहा है, पीछे की तरफ खींच रहा है, तो इसको रिवर्स करने के लिए एम जी साइन थीटा का कंपोनेंट आएगा जो यहां पर मैंने आपको डायग्राम में दिखाया है। ठीक है बेटा, यस। अब समझिए पहला पॉइंट यहां पे आपका आ गया, यहां से देखिए बेटा एक सेकेंड, ओके हाँ ठीक है। तो यहां पे देखिए जो एम जी साइन थीटा का कॉन्सेप्ट है, इसके रिगार्डिंग हम पहुंचे केंद्र की ओर, टेंशन टी माइनस एम जी कॉस थीटा कुल बल, एम जी माइनस कॉस थीटा, यहां से एम वी स्क्वायर अपॉन आर निकाल देंगे, बल का आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करेगा, यानी टी माइनस एम जी कॉस थीटा बराबर एम जी एम वी स्क्वायर अपॉन आर आएगा, जो पिछली स्लाइड में मैं आपको बता चुका हूं, यह चीज मैं यहां पर बता चुका हूं, नीचे भी लिखी हुई है, उम्मीद करता हूं यहां से आपका क्लियर हो गया होगा पॉइंट। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चलूंगा, थोड़ा सा आगे आपका जो कॉन्सेप्ट है उस पर चलता हूं। ये डायग्राम मैंने पीछे एक्सप्लेन कर दिया आपको, वही डायग्राम यहां पर है, ये आपको समझ में आए इसीलिए मैंने इस डायग्राम को फिर से बनाया है। दूसरा बेटा स्पर्श रेखीय जो बल आपका एम जी साइन थीटा, ये जो कंपोनेंट नीचे की तरफ लग रहा है ना, ये इसकी गति का विरोध करता है, ये सोरा एम जी साइन थीटा ये वाला, ये विरोध करता है, ये इसमें रिटार्डेशन डालता है, मंदन डालता है। ये सवाल आपका तैयार हो जाएगा यहां से, ये सवाल क्लियर कर लेना है। ठीक है, उसके बाद में इसके रिजल्ट क्या क्या मिले, इसके परिमाण क्या क्या आए, उनके रिगार्डिंग बात करते हैं। पहला पॉइंट आपका डायरेक्ट जो आपको याद रखना है, वो पॉइंट क्या आ रहा है, परिमाण रिजल्ट आ रहा है, निम्नतम बिंदु ए पर टेंशन, ए पर तनाव, ये देखो बेटा पॉइंट ए, ये पॉइंट आपका बी, ये पॉइंट आपका सी, यहां से एग्जाम में डायरेक्ट सवाल आए हैं, आएंगे, पूछे गए, पूछे जाएंगे। ध्यान दीजिए यहां पर बेटा TA टेंशन जो आपका बिंदु A पर है वो कितना है बेटा, एम वी ए स्क्वायर अपॉन एल, एम वी ए, वी ए इस बिंदु का वेग है, वैसे दिखाने को यहां पे U दिखाया गया है जिसको हमने नीचे U दिखा दिया है, ये वी ए को हमने U लिख दिया है, यहां पे देख पा रहे होंगे आप। ठीक है, यस। तो बेटा एम वी स्क्वायर अपॉन एल अभिकेंद्रीय बल नीचे की तरफ, तो ऊपर की तरफ टेंशन होगा आपका टी, तो नीचे की तरफ एम वी स्क्वायर अपॉन एल, लंबाई एल है ना, रस्सी की लंबाई एल लेंगे यहां पर, याद रखिएगा बेटा इसलिए। और बेटा बाहर एम जी भी कहां लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा, तो नीचे की तरफ दो बल हो गए, एक तो आपका एम वी स्क्वायर अपॉन आर, वी की जगह यू है, तो एम वी स्क्वायर अपॉन एल पहला, और दूसरा उसका बाहर एम जी यहां पर इस बिंदु पे, पॉइंट ए पे। ठीक है, तो बिंदु ए पे अगर कोई पूछे और यहां पर अगर कोई एंगल पूछे, अगर यहां पे कोई एंगल पूछे तो इधर से आगे जाने पे एंगल बढ़ता है, यहां पे 90 डिग्री होता है और यहां पे 180 डिग्री होता है बिंदु बी पे, बी पे 180 है, सी पे 90 है और ए पे एंगल आपका 0 डिग्री है, जो रस्सी ऊपर की तरफ जा रही थी ना ऑब्जेक्ट को लेके, वो एंगल बना रही है यहां पर, वो एंगल क्रिएट कर रही है, उसको समझो आप जरा ध्यान से। तो यहां पे एम यू स्क्वायर अपॉन एल प्लस आपका एम जी आ जाएगा। ये मुझे बताइए यहां से आपको बिंदु ए के लिए टेंशन का फॉर्मूला सभी को क्लियर है बेटा, बिंदु ए के लिए टेंशन का फॉर्मूला सभी को क्लियर है, यस क्लियर है बेटा। आगे चले, देखिए दूसरा पॉइंट बी आपका, बिंदु बी पर तनाव टेंशन एट ए पॉइंट बी, बेटा बिंदु बी आपको नजर आ रहा है, ये रहा बिंदु बी अधिकतम ऊंचाई पे, तो इस पे देखिए टेंशन एट पॉइंट बी, बिंदु बी पर जाएंगे टेंशन के लिए तो एम वी स्क्वायर अपॉन एल, ये तो लगेगा बाहर की तरफ और एम जी बाहर लगेगा नीचे की तरफ, लेकिन जब वहां पे पहुंचेंगे तो भैया बाहर उच्चतम बिंदु पे एम जी नहीं होता है, 5 एम जी होता है। मैंने इसकी डेरिवेशन को स्किप किया है क्योंकि ये काफी ज्यादा लेंथी हो जाएगा, नहीं तो ये आप डायरेक्ट याद रखिए, आगे मैंने लिखा है वहां पर आपको याद हो जाएगा। तो जो आपका पॉइंट बी है उसमें जो टेंशन है टी बी बराबर एम यू स्क्वायर एल माइनस का 5 एम जी और यहां पर एंगल आपका 180 आ जाएगा। तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा बिंदु कहां पर बेटा, सी टेंशन एट पॉइंट सी, पता आपको सी कहां पे है, ये रहा सी, यहां पे टेंशन हमें देखना है, तो यहां पे देखिए टेंशन के लिए टी सी बराबर एम वी सी स्क्वायर एल, यहां पे एम वी सी स्क्वायर एल और यहां पे आपका जो एम जी देना था यहां पे एम जी मिसिंग था, ठीक है उसी की फॉर्म है, यहां पे जो एम जी आएगा बिंदु सी पर वो होगा आपका टू एम सी पर नहीं सॉरी
हाँ सी पर 2mg आएगा mg की फॉर्म में। ये डेरिवेशन मैंने यहां पर भी स्किप किया है, पहले बता देता हूं, आप कहोगे सर डेरिवेशन नहीं करवाइए, स्किप किया है। tc के लिए फॉर्मूला mu स्क्वायर अपॉन l, यहां पे आपके लिए ये हो गया। b के लिए tb बराबर mv स्क्वायर अपॉन l माइनस mg, यहां पे 5mg, यहां पे आपका आ जाएगा mg। a पे mg आपका, b पे 5mg और c पे आपका 2mg। अब यहां से आप समझिए इस सवाल को, जो सवाल डायरेक्ट आपके बनेंगे वो सवाल नोट कर लो, वो सवाल नोट कर लो बेटा। पहला सवाल क्या, थीटा यहां पे 90 है, कोई दिक्कत नहीं है। पहला सवाल कंक्लूजन क्या निकलता है, टी ए, ए जो निम्नतम बिंदु है यहां पे टेंशन सबसे ज्यादा है, ये पॉइंट आपका ए है, यहां पे टेंशन मैक्सिमम है, सबसे ज्यादा आपका, सॉरी टेंशन ऊपर की तरफ होगा, टेंशन सबसे ज्यादा, उसके बाद में आपका टी सबसे ज्यादा, उसके बाद में टी सी, टी सी यहां पर आपका, यहां पर रहेगा बिंदु सी, ये आपका सी, और उसके बाद में यहां पर आपका रहेगा, इस तरफ आ जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका बी, यहां पर पॉइंट आपका दिया बी, तो सबसे ज्यादा ए पे, उसके बाद में सी पे और सबसे कम बी पे। अगर एक ही चक्कर कोई ऑब्जेक्ट लगा रहा है तो उसका तनाव बिंदु बी पर जीरो हो जाएगा, जैसे अपन क्रिटिकल वेलोसिटी बोलेंगे, क्रांतिक वेग बोलेंगे, वो बिंदु बी पर आपका जीरो हो जाता है इस कंडीशन में। तो ये आपका बहुत इंटरेस्टिंग सवाल, पहला सवाल आपका तैयार हो गया होगा। दूसरा जो सवाल आपको याद रखने हैं, बिंदु ए पर और जो बी पर टेंशन है, टी ए माइनस टी बी, टी ए माइनस टी बी का जो डिफरेंस निकालेंगे, एक आपका एम जी है और दूसरा माइनस का 5mg, माइनस माइनस प्लस, तो 6mg। बहुत तगड़ा सवाल आपका, पहला टी ए माइनस टी बी, पहला सवाल। दूसरा बेटा टी ए माइनस टी सी, ये टी ए और ये टी सी, यहां पे बेटा mg और माइनस का 2mg प्लस का 3mg, ये आपका हो गया। तीसरा बेटा टी सी माइनस टी बी, ये टी सी और टी बी, यहां पर बेटा कितना है 5 और यहां पर कितने हैं 2, दो में से 5 किया माइनस का, तो माइनस वाला 5 प्लस का हो गया, लेकिन माइनस वाले दोनों माइनस कर दिया तो 3 बच गया। ये बहुत इंटरेस्टिंग आपका तीसरा सवाल, डायरेक्ट याद रखिए, जब आप अंतर निकालोगे बेटा इसका, तो ये तो कट जाएंगे, यही बचेगा अंतर में, और ये कभी जुड़ेगा कभी घटेगा, उसी पर्पज से हमने 6mg 3mg 3mg, इसका इसका अंतर 6mg, इसका अंतर आपका 3mg, याद रखने का ट्रिक आपका एक दो बार बना के ले लेना 3mg, तो टोटल इसका डिफरेंस कितना हो गया 6mg। मेरे हिसाब से ये तीनों सवाल आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे, डायरेक्ट पूछे जाएंगे, डायरेक्ट सवाल बनेगा आपका यहां से, ठीक है बेटा। अब आ गया, जाओ इसकी अलग अलग कंडीशन क्या है उन कंडीशन की बात कर लेते हैं, अलग अलग इसके केस क्या है उनकी बात कर लेते हैं। तो उसमें पहला केस आपका है, यदि u ग्रेटर देन अंडर रूट 5gl है, मीटर अंडर रूट 5gl जो आपका उच्चतम बिंदु पे जो वेग है वो दिया जाए, लोवेस्ट बिंदु पे जो पॉइंट दिया जाए वो है, अंडर रूट gl आएगा उच्चतम पे, 5gl आ जाएगा, अंडर रूट 2gl आ जाएगा। अब इसके रिगार्डिंग अपन बात करेंगे, तो अगर u का वैल्यू अंडर रूट 5gl से ज्यादा है, इस स्थिति में डोरी के किसी भी बिंदु पर तनाव शून्य नहीं होगा, जिससे कण वृत्तीय पथ में गति करेगा, जो सर्कुलर मोशन होगा, तो उच्चतम बिंदु पर भी ये u इसके क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा है लोवेस्ट पॉइंट पे, तो पूरा एक चक्कर कर लेगा, कहीं पर भी टेंशन जीरो नहीं होगा, इवन इस बिंदु पर भी टेंशन आपका जीरो नहीं होगा। तो ये आपका पहला कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा देखिए, अगर u 5gl के बराबर है, अगर उस लोवेस्ट पॉइंट पे, अगर उस लोवेस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी अंडर रूट 5gl के बराबर है, इस स्थिति में उच्चतम बिंदु पे, इस वाले बिंदु पे, यहां पे जो उच्चतम बिंदु आपका, उस पे तनाव जीरो हो जाएगा, टेंशन आपका टी जीरो होगा उस कंडीशन में, और इस चक्कर में, इस स्थिति में केवल एक ही राउंड पूरा होगा उसका, एक ही राउंड पूरा होगा, उसके बाद में नीचे डायरेक्ट गिर जाएगा, राउंड नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको रिक्वायर्ड टेंशन नहीं मिलेगा और वो नीचे गिर जाएगा। दूसरा पॉइंट हो गया आपका, जिसमें सिर्फ वो एक ही चक्कर लगा पाएगा, ये सवाल बन सकता है, ठीक है, यस। उसके बाद में तीसरा आपका क्रांतिक वेग, पॉइंट डाला है मैंने, उसको पहले डिफाइन किया है, फॉर्मूले दे दिए, अब यहां पर बात करो, वह न्यूनतम वेग जिससे वृत्तीय गति संभव हो पाती है, क्रिटिकल वेलोसिटी है, अगर क्रिटिकल वेलोसिटी से वेलोसिटी लो है तो वृत्ताकार पथ में गति नहीं हो पाएगी, तो न्यूनतम वेग मिनिमम वेलोसिटी जहां पे सर्कुलर मोशन रिक्वायर्ड है, पॉसिबल है, क्रिटिकल वेलोसिटी कहलाएगा। बिंदु ए पे जो लोवेस्ट आपका पॉइंट है, पॉइंट ए पे क्रिटिकल वेलोसिटी रूट 5gl, उसके बाद में बी पर क्रिटिकल वेलोसिटी, बी कहां पे था बेटा, बी यहां पे था और सी यहां पे था, ठीक है, तो बी पर देखिए कितना, बी पर क्रिटिकल वेलोसिटी अंडर रूट जीएल, यहां पे आपका अंडर रूट आपका जीएल, यहां पे अंडर रूट आपका 5gl, समझ में आ रहा बेटा।
उसके बाद में बिंदु सी पर 3GL, ये जो आपका बिंदु आ रहा है यहां पे अंडर रूट आपका 3GL, ये याद रखिए, डायरेक्ट सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए, आगे भी आपको पूछे जाएंगे, एज इट इज विदाउट ऑप्शन चेंज न्यूमेरिकल आपके पढ़ेंगे डायरेक्ट है। यहां पे अंडर रूट 5GL, यहां पे अंडर रूट GL, यहां पे अंडर रूट 3GL, डायरेक्ट याद रखिए इसको, ठीक है बेटा, क्लियर बेटा, आगे चले बेटा, आगे चले, देखिए ये यहां पे ये आपका आ रहा है TA बराबर 6MG, TB बराबर 0, TC बराबर 3MG, क्या बात कर रहे हो, वाव, अभी हमने डायरेक्ट टेंशन निकाल दिया क्रिटिकल वेलोसिटी की कंडीशन में, डायरेक्ट याद रखिए TA पे टेंशन 6MG, TB पे तनाव 0, अगर क्रांतिक वेग से गति कर रहा है तो, ठीक है, यस, और TC पे आपका 3MG, बहुत ही तगड़ा सवाल, A पे 6MG, बी पे 0 और सी पे 3MG, मेरे हिसाब से ये सवाल आप यहां से डायरेक्ट याद रखेंगे, क्लियर है बेटा, क्लियर है, यहां तक क्लियर है, सवाल करवा दो बेटा, ओके, आपके कमेंट डीले आते हैं बेटा, काफी देर बाद में आता है आपका कमेंट, चलिए इस सवाल को सॉल्व करिए, इस सवाल को सॉल्व करिए फटाफट से, यस, जल्दी से बेटा, जल्दी से इसको सॉल्व करें, यहां लगा देता हूं मैं इसको, जल्दी से सॉल्व करें बेटा इसको, 40 सेकंड का टाइम लगा देता हूं मैं, जल्दी से सॉल्व करें इस सवाल को, यस, स्टार्ट हो गया टाइम आपका, जल्दी सॉल्व करें भैया, बेटा वहां पे मैंने डिराइव करवाया था आपको, यहां पे डिराइव नहीं करवाया है, इतना फर्क हो सकता है, यस बेटा वहां पे मैंने डिराइव नहीं करवाया था आपको, ओके बेटा जल्दी से आंसर करें, जल्दी से आंसर करें बेटा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपका, शाबाश, टाइम अप हो गया बेटा, यस टाइम अप हो गया, टाइम अप हो गया बेटा, ये इतना टाइम बेटा कैसे, मुझे ये समझ नहीं आया, इतना टाइम कैसे बेटा, इतना टाइम कैसे हुआ, सीधा सा लॉजिक था बेटा, यस, सवाल को समझिए बेटा एक बार, ओके, देखो बेटा कॉन्सेप्ट समझिए, एम द्रव्यमान का एक पिंड एल लंबाई की एक डोरी से चित्रानुसार बांधा गया है, तो निम्नतम बिंदु पे वेग होगा, बेटा यहां पे एक लॉजिक मुझे बताइए, इस बिंदु से वहां तक उसको बिंदु ए और बी पे, अगर मैं यहां पे एनर्जी कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट लगाता हूं तो आप मुझे बताइए बिंदु ए पर काइनेटिक एनर्जी कितनी है, आप कहोगे सर जी 0, और पोटेंशियल एनर्जी क्या है सर जी मैक्सिमम, लेकिन अगर मैं बात करता हूं बिंदु बी पर तो आप मुझे बताइए बिंदु बी पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है लेकिन आपका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी वहां पे 0, बस दोनों को बैलेंस करके सॉल्व करना है, आंसर आपका आ जाएगा, ये इस तरीके के सवाल एज इट इज एग्जाम में आएंगे, अगर गलती करोगे तो भैया काम चलेगा नहीं, सवाल को समझ ले एक बार बेटा, यहां पे मैं आपको बताऊं यहां पे आपका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा और कितना होगा बेटा 1/2 mv², यहां पे कोई आपको पोटेंशियल एनर्जी पूछ ले तो वह 0, एल लंबाई का एक डोरी से चित्रानुसार धागे को बांध के निम्नतम बिंदु पे वेग, ये जब इसको छोड़ा जाएगा तो ये धरातल पे माना जाता है इस बिंदु को लोवेस्ट पॉइंट जहां पे पोटेंशियल एनर्जी 0, क्योंकि हाइट 0 है, क्योंकि बेटा ये हाइट मानी जा रही है यहां पे, हाइट ये मानी जा रही है आपकी यहां पे, ठीक है, दूसरा यहां पे बेटा जब उच्चतम बिंदु पे उसको ले गए अब वहां पे वापस नीचे आएगा तो वहां पे आपका काइनेटिक एनर्जी 0 है, यहां पे आपका काइनेटिक एनर्जी 0 है, लेकिन अगर बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की तो एम और जी और यहां पे लंबाई हाइट के रूप में, यहां से अगर मैं इसको यहां पे लेके जाता हूं ये हाइट क्या है बेटा उसकी लंबाई है, ये हाइट रस्सी की लंबाई स्ट्रिंग का लेंथ, तो एम जी एल अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन दोनों को बराबर रखो, यहां पे बेटा बिंदु बी पर एनर्जी बराबर बिंदु कौन सा बेटा ए पर एनर्जी, बी पर एनर्जी क्या है बेटा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी 1/2 mv² + 0
बराबर, वहां पे एनर्जी क्या है बेटा, एम जी एल। बेटा एम से एम को काट दे, टू को मल्टीप्लाई करो तो वी बराबर अंडर रूट में आपका टू जी एल, अंडर रूट में टू जी एल, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। बहुत से बच्चों ने गलत किया है, बहुत से बच्चों ने। एक बच्चा बोल रहा है सर आज मजा नहीं आया। बेटा आज लेवल ये था कॉन्सेप्ट का, जब हलवा होता है ना सबको मजा आता है, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब टॉप लेवल के कॉन्सेप्ट पढ़ रहे होते हैं तो वहां पे कंसंट्रेट करना पड़ता है, वहां पे चीजों को ढंग से समझना पड़ता है, और जब वही चीज समझ नहीं आती है तो फिर मजा नहीं आता है। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये जो आपका वर्टिकल सर्कुलर मोशन है ना, 99% बच्चे निकल लेते हैं पतली गली से, समझ नहीं पाते इसको आसानी से। ये इस चैप्टर का सबसे टॉप कॉन्सेप्ट का टॉपिक है, वर्टिकुलर सर्कुलर मोशन, जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन है वो। तो इसको इतना इजी में ना लीजिए, हल्के में बना ले। और इस टॉपिक में सबसे ज्यादा टारगेट क्वेश्चन भी यहीं से आते हैं। तो जब क्लास सेव हो जाए, फिर भी कोई डाउट बच रहा है, क्लास को बेटा रिवर्स करके देख लीजिएगा, अपना डाउट क्लियर कर लीजिएगा। ओके चलो, बाकी क्लास इसके आगे बचे हुए न्यूमेरिकल बचा हुआ कॉन्सेप्ट है, कल की क्लास में आपको कराएंगे। जिन बच्चों ने क्लास को अभी तक प्रेजेंट नहीं लगाई है, लाइक बटन दबा के अपनी प्रेजेंट लगा दे। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, बाय बाय, वंदे मातरम।